दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत के बाद भारतीय टीम का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज फतह करने के तुरंत बाद श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान हो चुका है और भारतीय टीम में बीसीसीआई ने 5 दमदार खिलाड़ियों की वापसी कराई है, जिसके सामने विरोधी टीम भी कुछ नहीं है। तो आखिरकार बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ किन 5 खूंखार खिलाड़ियों की वापसी कराई है, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ श्रीलंका के खिलाफ पूरी की पूरी टीम के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज करते हुए श्रीलंका को डरा दिया और दूसरी तरफ श्रीलंका दौरे के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया है। और जहां पर श्रीलंका की टीम भारतीय सरजमी पर अगले 3 जनवरी से 3 मैचों की T20 और 10 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। दरअसल हाल ही में भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया और टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज कर ली। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए तैयार है। अब ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीसीसीआई ने पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और ईशान किशन को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने ऐलान करते हुए कहा है कि रोहित शर्मा भारतीय टीम में कप्तानी करते हुए अब दिखाई नहीं देंगे, उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन उन्हीं को भारतीय टीम ने पारी की शुरुआत करने के लिए शामिल किया है। जी हां आपको बता दें, क्योंकि उनसे सबसे बेहतर सलामी बल्लेबाज मिलना पूरी दुनिया में नामुमकिन है। हालांकि उनका प्रदर्शन इस समय काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन विराट कोहली की तरह उनको भी मौके देकर हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा सलामी बल्लेबाज मिलना मुश्किल है। ऐसे में इन्हें भारतीय टीम की शुरुआत करने के लिए मौका दिया जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन को पारी की शुरुआत करने का दायित्व सौंपा है। हालांकि ईशान किशन पहले भी भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन शिखर धवन के एक दिवसीय क्रिकेट में खराब फॉर्म और केएल राहुल के T20 क्रिकेट में खराब फॉर्म को देखते हुए इन दोनों के बैकअप के रूप में ईशान किशन को अब परमानेंट जगह दे दी गई है। इतना ही नहीं, ऋषभ पंत उनके खराब प्रदर्शन के कारण ओपनिंग उनसे छीन ली गई है। अब ऐसे में अब ईशान किशन के वनडे में 210 रन की पारी को देखकर उन्हें T20 में भी पारी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा और अब लंबे समय के बाद भारतीय टीम को नई सलामी जोड़ी मिलेगी। इसके अलावा बीसीसीआई ने मध्यम क्रम में पारी को संभालने के लिए विराट कोहली को शामिल किया है, जहां पर विराट कोहली पहले की तरह भारतीय टीम को संभाल कर आगे ले जाने का काम करेंगे। हालांकि विकेट पर विकेट गिर जाए, लेकिन विराट कोहली एक तरफ से टीम को संभाल कर आगे ले जाने का काम करते हुए नजर आएंगे और आगे भी इसी अंदाज से यही काम करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब तो विराट कोहली काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी भी करने लगे हैं, ऐसे में विराट कोहली को टीम से बाहर निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा उनका साथ देने के लिए भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलेगा। सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर निकालना अभी मुश्किल है, क्योंकि उनके द्वारा काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए देखने को मिल रहा है और भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव के ऊपर काफी ज्यादा आश्रित है। ऐसे में सूर्या भारतीय टीम को आगे भी इसी अंदाज से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर जीत दिलाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए संजू सैमसन भी मध्यम क्रम में विकेटकीपर की भूमिका में खेलते हुए दिखाई देंगे। संजू सैमसन भारतीय टीम में लंबे समय के बाद दोबारा से वापसी करेंगे और इस बार उनकी जगह परमानेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हां आपको बता दें, क्योंकि संजू सैमसन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं और स्थिति के अनुसार टीम को संभाल सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई ने टीम में शामिल किया है, जहां पर बीसीसीआई ने बता दिया है कि हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के मुख्य ऑलराउंडर होंगे, टीम को संभाल कर आगे ले जाने का काम करते हुए दिखाई देंगे। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी करना भी जानते हैं, ऐसे में भारतीय टीम को एक बेहतर संतुलन प्राप्त होगा। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान भी बीसीसीआई ने आईपीएल में गुजरात की कप्तानी से खुश होकर बना दिया है और अब इन्हीं को भारतीय टीम की कमान सौंपी जा रही है। इसके अलावा गेंदबाज के रूप में फिरकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी यजुवेंद्र चहल के कंधों पर डाल दी गई है, जहां पर यजुवेंद्र चहल एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक की वापसी करती हुई दिखाई दे रहे हैं।
और जहां पर ये तीनों खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को जीत दिलाते हुए दिखाई देंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह वापसी करते हुए दिखाई देंगे और टीम को जीत दिलाने का काम भी अब लगातार निरंतर रूप से करते हुए दिखाई देंगे। इनका साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक युवा गेंदबाज के रूप में खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसमें अर्शदीप सिंह भारतीय टीम में वर्ल्ड कप एशिया कप की तरह शानदार गेंदबाजी करके टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं मलिक अपनी गति से विरोधी टीम के पसीने छुड़ाते हुए दिखाई देंगे और इन तीनों गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम दिखाई देगी और साथ ही साथ इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए जाएगी और T20 सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा बैकअप खिलाड़ी के तौर पर मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिलेगा और भारतीय टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वनडे में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कुलदीप यादव भी शामिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को खेलने का मौका मिलेगा, जो टीम में बैकअप बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे और टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।